सबको नमस्कार। आज स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना वेट लॉस जर्नी शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं। ये चीजें आप अपने दिमाग में रखिए, ये बहुत यूजफुल होंगे आपके वेट लॉस जर्नी में। पहला चीज है वो है कि आप एक गोल बनाएं। अपना गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि डेली जिम जाते हैं, ऐसे ही आते हैं, बस एक गोललेस रहता है तो एक डायरेक्शन नहीं मिलता अपन को। तो अभी मैं आपको आपका वज़न कम करना है तो मैं 3 महीने में मेरे को इतना वज़न कम करना है करके एक गोल बनाइए। अपना एक रियलिस्टिक गोल बनाइए, ऐसे नहीं कि मुझे 10 दिन में 10 किलो कम करना है, नहीं तो 1 महीने में 10 किलो कम करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी दो लोग हैं, पर्सन ए पर्सन बी। पर्सन ए 30 किलो ज़्यादा है उनका वज़न, पर्सन बी 10 किलो ज़्यादा है उनका वज़न। तो पर्सन ए अपना एक गोल बना सकते हैं, 7-8 kg कम करना है मुझे 1 महीने में। पर्सन बी वही गोल नहीं अपना सकते, 7-8 किलो उनका कम हो ही नहीं सकता क्योंकि इनके पास वज़न है, एक्सेस है इनके पास वज़न। पर्सन ए के पास एक्सेस वज़न है लूज़ करने के लिए, लेकिन इनके पास टोटली 10 kg है लूज़ करने के लिए। ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक्स्ट्रा वज़न कितना है लूज़ करने के लिए। अगर आपके पास 10 किलो वज़न ही है एक्स्ट्रा लूज़ करने के लिए तो आप 1 महीने में 3 या 4 किलो तक कम कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मुझे एक ही महीने में 7-8 किलो कम, वैसे तो हो ही नहीं सकता। तो आप एक रियलिस्टिक गोल जो अचीवेबल है उसको अपनाइए। तो दूसरा चीज़ है ओवर इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म बहुत एक अच्छा चीज़ है कि आपको बहुत इंटरेस्ट है कि आपको वज़न कम करना, बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन आप ओवर इंथुजियास्टिक हो जाते हैं तो उसको आप वो एक आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा आपके वेट लॉस जर्नी पे। तो क्या होता है, लोग ओवर एंथुजियास्टिक होके बहुत खाना ही कम कर देते हैं, सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसे चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, नहीं तो 2-3 घंटे वर्कआउट करते हैं बिना प्रॉपर रेस्ट देके। तो ऐसे चीज़ ओवरकिल हो जाता है। जो आपका एंथुजियाज्म है उसको सही दिशा दीजिए, करेक्टली यूज़ कीजिए। तो 3 सेक्शन ऑफ पीपल है। पहला सेक्शन वो लोग हैं जो एक डाइट फॉलो करने के लिए रेडी है लेकिन उनको एक्सरसाइज नहीं करना। दूसरा सेक्शन वो लोग हैं जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एक्सरसाइज करने के लिए रेडी है लेकिन उनको डाइट फॉलो नहीं करना। तो तीसरा सेक्शन जो है उन लोगों को ना डाइट फॉलो करना है ना एक्सरसाइज करना है लेकिन वज़न कम करना है, अपन उन लोगों को छोड़ ही देते हैं। पहला सेक्शन पे चलते हैं। पहला सेक्शन में क्या होता है, आपका अगर एक लाइफस्टाइल ऐसा हो कि आपका जो जॉब है, नहीं तो आप पूरे दिन यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, ऐसे वैसे लोगों को अगर आप एक डाइट मेंटेन करो तो आप काफ़ी हद तक अपना वज़न कम कर सकते हो। लेकिन दूसरी ओर जब आपका काम ही पूरा दिन सिस्टम के सामने बैठना है और आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है पूरे दिन में, आप डेफिनेटली 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी अपने दिन में कीजिए। कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, जैसे साइकिलिंग हो गया, अपना रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जिम जाइए, ऐसा कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली कीजिए। ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आप पूरा दिन एक्टिव भी रहोगे। दूसरे सेक्शन के लोगों पे चलते हैं। उनको 2-3 घंटे कितना भी टाइम दे दो, मेरे को मैं वर्कआउट करने के लिए रेडी हूँ लेकिन मेरे से डाइट सब फॉलो नहीं किया जाता। तो ऐसे लोगों से क्या होता है, आप कितना क्वांटिटी क्या खा रहे हो आपका कुछ हिसाब ही नहीं है। तो आपका क्या हो सकता है, आप वही लेवल पर रह सकते हो वेट। आप वर्कआउट कर रहे हो उस हिसाब से आप कैलोरीज बर्न कर रहे होंगे, उस हिसाब से आप 1 या 2 kg ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आपका वज़न कम होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। चौथा चीज है कि आपका जो भी गोल है वो किसी को बताइए मत। ये ऐसा बहुत होता है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि अगले हफ्ते से मैं शुरू कर रहा हूँ तो अपने दोस्तों को, नहीं तो अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली में बता देते हैं, नहीं तो फेसबुक में पोस्ट डाल देते हैं, ट्वीट कर देते हैं या इंस्टा में फर्स्ट क्लिक एट द जिम करके एक फ़ोटो डाल देते हैं। ऐसा अपना गोल किसी को बताइए ही मत। ऐसा एक बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं जिसमें एक स्टडी में ये पता चला है कि जब आप अपना एक गोल बताते हो लोगों को तो आपके माइंड में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आ जाता है, क्योंकि आप जब भी एक बात बताते हो अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव्स को, वो लोग खुश होते हैं, आपको अक्नॉलेज करते हैं, आपको कंग्रेचुलेट करते हैं कि आप हाँ अच्छा काम कर रहे हो, हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको, ऐसे ऐसे बोलने पे आप ऐसे एक माइंड में सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि आप ऑलरेडी उस वो चीज़ करना शुरू कर चुके हो लेकिन आपने शुरू ही नहीं किया है बल्कि। तो उस हिसाब से आप अपना गोल किसी को बताइए ही मत।
डेरेक साइवर्स करके एक पर्सन जो इसके बारे में बात करते हैं, टेड करके एक चैनल है, उस चैनल में उन्होंने बात किया है, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में रखता हूँ, आप डेफिनेटली देखिए वो वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो है। तो पांचवा चीज़ है वो है सेल्फ मोटिवेशन एंड डेडिकेशन। आप पहले अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाए कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। अगर वो चीज़ ही आपके दिमाग में नहीं रहेगी, आप यही सोचते रहोगे ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, तो आप सक्सीड ही नहीं कर पाओगे। उस हिसाब से आप अपने आप से बात कीजिए, ये अपने लिए कर रहे हो, उन लोगों को गलत प्रूव कीजिए जो आपका मजाक उड़ाए थे। ऐसा एक मोटिवेशन रखिए अपने आप में कि मुझे ये बस बहुत हो गया, ये मेरे को अभी बस मोटा नहीं होना है, मेरे को वजन कम करना ही है। ऐसा एक मोटिवेशन लेके चलिए, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहोगे। जो छठा चीज़ है वो है आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। अगर आप कहाँ से स्टार्ट करे हो और किधर पहुँचे हो, अगर वही उसका ही हिसाब नहीं होगा तो आप कैसे पता चलेगा कि आप इम्प्रूव किए हो कि नहीं। तो आप वेइंग स्केल को एक प्रोग्रेस या एक इम्प्रूवमेंट का ये मत लीजिए, आप अपना बिफोर एंड आफ्टर फोटोज लीजिए। बिफोर एक दो महीने पहले का फ़ोटो और अभी का फ़ोटो, दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों में कितना फ़र्क है करके वो देखिए, मिरर के सामने खड़े होकर देखिए कि आप पोज करके देखिए कि आपके बॉडी में कितना डिफरेंस है, और बॉडी के मेजरमेंट्स लीजिए, आपके पेट का मेजरमेंट, थाइस का, नेक का, ऐसे मेजरमेंट्स लेके कंपेयर कीजिए। दो तीन महीने पहले मेजरमेंट लेके रखिए और आज के मेजरमेंट के साथ कंपेयर करके देखिए और कितना डिफरेंस है करके आप विजुअली देख सकते हो, और अपना इंच लॉस कितना है वो सब एक एक ट्रैक रख सकते हो कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। जो सातवां चीज़ है वो है अपने गलतियों से सीखिए। ऐसे बहुत बार हुआ हुआ होगा कि आपने बहुत बार पहले बहुत बार ट्राई किया रहेगा कि वेट लॉस करना है, मुझे ये करना है, आपने बहुत बार फेल हुए होंगे, तो उस फेलियर का कारण क्या है वो जानिए पहले। अभी मेरा जो कारण होता था कि मैं ऐसे कंट्रोल के बिना खा जाता था, तो मैंने उस कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाया मैंने कि हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी खाने से मेरे को वेट लॉस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे चीज़ों से आप ओवरकम कीजिए, जो आपके मिस्टेक्स है उसको रिपीट नहीं करना और उसको ओवरकम करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मेरे थोड़े टिप्स थे वेट लॉस के लिए, आपको बहुत यूज़फुल होंगे करके मैं मानता हूँ, और मैं हिंदी में भी वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक दीजिए वो वीडियो को, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। चाओ।